हेलो क्लास फाइव वेलकम बैक टू रोबोस डोंट लाइ सो अभी तक हमने पढ़ा था कि बार 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 मंकू रोबो जो है उसको इंट्रैक्ट कर रहा है अजय कि हर बात को काट रहा है उसको तंग कर रहा है अजय उसको झूठ बोलने के लिए, के लिए कहता है पर वो झूठ नहीं बोलता है अजय उसको अजय उसको बोलता है कि यूमेक में सिख मुझे परेशान कर रहे हो उसको लगता है कि सिख का वर्ड जो है वो बीमार होता है वो बीमार है वो बार बार कह रहा है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ ठीक है अब आगे अब इस टाइम उसका कौन सा फ्रेंड आया हुआ है

कंटिन्यू दि क्लीनिंग वो कहते हैं उसको डांटते हैं अपनी क्लीनिंग करते रहो जो आप सफाई करते रहो कहता है कमान रिसीव सर वो क्लीनिंग करने के लिए चला जाता है दैट रोबो इज सपोज टू हेल्प अस नॉट मेक आर लाइफ डिफिकल्ट आई कांट इवन मेक एन एक्सक्यूज टू डाय बिकॉज इट बटसन वो कहता है कि ये रोबो जो है ना ये हमारी लाइफ को ईजी करने के लिए आए हैं लेकिन इसने मेरी लाइफ डिफिकल्ट बना रखी है मैं एक छोटा सा झूठ भी नहीं बोल सकता डैडी को क्योंकि हर बात में ही आ जाता है बीच में in, मतलब कि हर बात में अपने टांग फसाने आ जाता है हर बात में इंटरफेयर करता है ये चलो देन आफ्टर तारिक लेफ्ट अजय डिसाइडेड टू कॉन्टेक्ट रोबोटिक्स इंटरनेशनल मैन स्माइलिंग फेस अपियर ऑन द स्क्रीन अब क्या होता है कि जब तारिक घर चला जाता है अजय कहता है कि मैं रोबोटिक्स इंटरनेशनल जहां से इसको लेकर आया था ना उनसे बात करता हूं उनसे बात करता हूं कि ये मुझे बहुत तंग करता है अब जैसे ही वो कंप्यूटर पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है तो स्क्रीन पर एक स्माइलिंग सा फेस आता है यू कैन सी ठीक है अब वो बोलता है दिस इज रोबोटिक्स इंटरनेशनल मेकर्स ऑफ फॉर योर होम मे आई हेल्प यू अब जैसे वो स्क्रीन पे आता है तो वो बोलता है कि मैं रोबोटिक्स इंटरनेशनल से बोल रहा हूँ मेकर्स ऑफ रोबोस फॉर योर होम आपके होम के लिए रोबोस बनाते हैं हम तो मे आई हेल्प यू अब मंकू क्या बोलता है उसको मंकू कहता है आई हैव अ प्रॉब्लम विद आर मंकू रोबो इट टेल्स टेल्स टू माई फादर No झूठी तो कहानियां सुनाता, कहानिया सुनाता है और सारे विजिटर्स को अंदर आने देता है जिसको मैं अंदर आने के लिए मना जिसको मैं नहीं भी मिलना चाहता हूँ उसको भी अंदर आने देता है इट हैज नो सेंस इसको कोई सेंस ही नहीं है द स्माइल ऑन द मैन फेस फेड इट मैन के फेस पर जो स्माइल थी वो फेड हो जाती है गुस्से में आ जाता हैज नो सेंस का मतलब क्या है उसको अक्कल नहीं है इसका क्या मतलब है और तुम क्या कहना चाहते हो कि वह झूठ नहीं बोलता रोबोस जो है वो झूठ बोलने का उनके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं फिट किया गया उनके अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो झूठ बोलें द मैन कंटिन्यू टू स्पीक फॉर्मली और गुस्से से बोलता गया

कंफ्यूज yes, well, I mean, well, हो जाता है, वो है लेकिन क्यों 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 आप क्यों लेके जाओगे उसको ठीक है अब वो परेशान हो जाता है गुरु गुरुबो चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा मेरी सारी प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा ठीक है तो क्या होता है अब वो परेशान हो गया परेशान होकर के वो कहता है आजे वॉज नाउ अल्ड

मैटर ऑफ पॉलिसी पॉलिसी मतलब की जैसे हमने अग्रीमेंट किया था या लॉ होता है हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग मंकू रोबोस हम उस घर से ले जाते हैं जो घर उनके लिए सही नहीं होते हैं ओ नो आई डीन दैट वो परेशान हो गया नहीं 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 मेरा वो मतलब नहीं था मेरा वो मतलब नहीं था द मैन इमेज बिगे टू फेड मैन जो है वो चला जाता है क्योंकि उसकी इमेज जो है वो फीकी पड़ने लग जाती है ब्लैंक्स फ्रेन आ जाती है वो बोलता है कि वी विल अरेंज फॉर समबडी टू तो कम टू योर हाउस एंड कलेक्ट आर मंकुरु गो योर मनी विल बी रिफंडेड इन फुल गुड बाय वो कहता है कि हम किसी को भेज देंगे तुम्हारे घर से मंकुरु वो को ले जाएगा और आपकी सारी मनी वापस कर देंगे धीरे धीरे क्या है मैन की में जो है वो फीकी पड़ गई वो चला गया ये बोलकर वो चला गया आज एट द ब्लैंक स्क्रीन एंड फेल्ट वेरी सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन अब अजय जो है वो ब्लैंक स्क्रीन को देखता रह जाता है क्योंकि वो तो चला गया बोल के और अब उसको बहुत अपोलोजाइज कर रहा है वो सॉरी फील कर रहा है कि मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं अब वो कहता है आई विल बी ऑनेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन श्योरली इफ आई लर्न टू टेल गिव मी कहता है आज से मैं ऑनेस्ट हो जाऊंगा ईमानदार हो जाऊंगा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया करूंगा बिल्कुल सच बोलूंगा एंड इफ आई लर्न टू टेल द ट्रूथ अगर मैं सच बोलना सीख जाऊंगा तो हो सकता है वो मुझे माफ, दे, माफ कर दे मुझे एक और चांस दे दें कौन कौन दे उसके पेरेंट्स दे आर हिज पेरेंट्स

तो अब मंकू जो है वो अपने पापा के पास जा रहा है तो इससे हम लोगों ने ये सीखा कि हमें देखो भगवान जी ने हमें बनाया ह्यूमन बींग्स तो हमें तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए इवन जो रोबोस हैं ह्यूमन बींग्स के बनाए हुए हैं वो भी नहीं झूठ बोलते तो वी शुड ऑल्सो नेवर टेल लाइस ठीक है सो दिस इज ऑल विद चैप्टर तो नेक्स्ट वीडियो में आई शेयर टिल देन गुड बाय